जनपद के हंडिया थाना क्षेत्रांतर्गत उपरदहा गांव के सामने तेज रफ्तार कार एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में महिला को रौंदते हुए सड़क किनारे खड़ी बस से टकरा गई। हादसे में महिला समेत कार में आगे बैठे युवक की मौत हो गई। कार चालक समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से हालत नाजुक देख दोनों को स्वरूप रानी अस्पताल रेफर कर दिया गया। शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पर्यटकों की एक बस वाराणसी से प्रयागराज जा रही थी। बुधवार को बस उपरदहा में एक पेट्रोल पंप के पास हाईवे के किनारे खड़ी करके सभी पर्यटक बस से नीचे उतरे। एक महिला पर्यटक विभा देवी पत्नी सुभाष चंद्र अग्रवाल निवासी देहरादून उत्तराखंड सड़क पार करने लगी। इसी समय वाराणसी की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार सामने आए बाइक सवार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित हो गई। कार विभा देवी को रौंदते हुए सड़क के किनारे खड़े बस से टकरा गई। इस घटना में कार में आगे बैठे राहुल निवासी पुणे महाराष्ट्र की मौत हो गई। चालक समेत राहुल की पत्नी प्रीति गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल हंडिया अस्पताल भेजवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को स्वरूप रानी रेफर कर दिया गया।